हो गया जो भी मेरी इंसल्ट करेगा मैं उसको ऐसे ही जवाब दूंगा। सलाका सुबह ये फोन मुझे वापस दे दो। जब तक आप वादा नहीं करेंगे कि आप मुझे पढ़ाएंगे मैं फोन नहीं दूंगी। नहीं पढ़ाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, और तुम भी मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरा भी पढ़ाई में मन कहाँ लगता है दादाजी, ये सब तो मैं मास्टर जी के लिए कर रही थी ना। और अब तू अपने मास्टर जी के लिए ही पढ़ेगी। आज फिर मेरा बेटा भूखा सो जाएगा, पता नहीं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। अकुला बो, क्या हुआ? कुछ नहीं बाप, आइए बैठे बापूजी। क्या आज हम तीन लोग ही हैं? करके और लोगों को खाना नहीं खाना है क्या? ऋषि के पापा एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए, सुबह और रात को खाना नहीं खाना चाहते। इला रवेश और राहुल किसी फ्रेंड के पार्टी में गए। मैंने बहुत कहा ऋषि से कि बेटा तू भी जा अच्छा लगेगा, लेकिन ना वो खाना खाना चाहता है ना ही अपने रूम से बाहर निकलना चाहता। शांत हो जाओ बकुला बहू, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, मैं जाकर उसे समझाता हूँ, वो अपने दादा की बात कभी नहीं डालेगा। बापूजी, आपके फैसलों का सम्मान करने में ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई है, और हुक्म मत चला ही मेरे बेटे पे। अकुला बहू बोलने दो लाडू उसे, वो एक माँ है और अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोचना और बोलना उसका हक है। बापूजी माफ कीजिए अगर मैं ज्यादा बोल गई हूँ तो, पर मैं अब भी मानती हूँ कि अगर उस दिन आपने इतना ज्यादा नहीं बोला होता तो मेरे बेटे की ये हालत नहीं होती, इतना नहीं टूटता मेरा बेटा, ये सब नहीं होता, मेरे बेटे की ये हालत नहीं होती। सुनिए, आप बकुला बहू की बातों को इतना दिल पे मत लगाइए। नहीं, मैं कहाँ दिल पे लगा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये खाना छोड़ के आना, आंखों में आंसू। जानता हूँ मैं सारी दुनिया से अपने दर्द छुपा सकता हूँ, तुमसे नहीं छुपा सकता। आंसू बकुला बहू के कहे शब्दों की वजह से नहीं है, मेरे ऋषि के लिए, क्योंकि मेरी वजह से मेरा ऋषि इतना दुखी हुआ। नफरत हो गई है मुझे अपने आप से, नफरत हो गई। मत दोष दीजिए अपने आप को, भूल जाइए इस बात को कि आपकी वजह से, आपके शब्दों से ऋषि को दुख हुआ है। मैं नहीं भूल सकता उस बात को। मेरा ऋषि अगर मेरी वजह से परेशान है तो ये मेरा फर्ज है, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी परेशानी दूर कर दूं। पर अब की बात महादेव जी ने चाहा
तो मैं जरूर कामयाब होगा। ऋषि अपनी पहली पसंद शलाखा में नाकामयाब हुआ है। अब अगर वो अपने दूसरे मिशन में कामयाब हो गया, जैसे कि तुझे पढ़ा लिखा कर तुझे एक पहचान दे सके, तो ये उसके लिए उपलब्धि होगी। आप देखना मास्टर जी, आपकी ये सुबह पढ़ लिख कर बहुत बड़ी होगी, आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगी, आपका सम्मान बढ़ाएगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी मास्टर जी। आप जानते हैं मुझे रात को पढ़ते वक्त नींद ना आ जाए ना, इसीलिए मैंने रात का खाना भी बंद कर दिया है। बस आप ऐसे उदास मत रहिए। बेचारे दादाजी मेरी वजह से अपने आप को कोस रहे हैं, और मैं हूं कि इस घर में सबकी चिंता का कारण बन गया हूं। सब मेरी वजह से परेशान है इस घर में। नहीं, मुझे अपने इस दर्द से बाहर आना होगा, मुझे नॉर्मल बनना होगा ताकि इस घर में सब लोग नॉर्मल हो जाएं। सोना नहीं है सुबली, पर मैं क्या करूं, ये मुई नींद भी ना बार बार भगाने से छमछम करके वापिस आ ही जाती है। क्या करूं, मुंह पे पानी मार के ना भगा ही देती हूं। ओहो, पानी को भी अभी ही खत्म होना था, जाकर लाना पड़ेगा। ये भी एकदम खाली है, बिल्कुल मेरी तरह। गॉड, ऋषि फिर से डिप्रेसिंग बातें करना शुरू कर दी। आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। मुझे किसी भी हाल में इन सब से बाहर निकलना होगा। मास्टर जी आप अभी पानी लेने आए हो? मैं भी पानी लेने आई थी, वो मैं पढ़ रही थी ना, तो पानी खत्म हो गया, प्यास लगी थी इसलिए लेने आ गई। पढ़ रही थी मैं, ये वो मैं भर दूं आपके लिए पानी? नहीं, मैं भर लूंगा। क्या हो गया है मुझे?
ये क्या हो गया है मुझे? सुबह मास्टर जी, मास्टर जी आप? हाँ मैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आपको अब ये देखना देखना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। आज से तुम्हें इंग्लिश लिखना सीखना है। ठीक है मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आपने कहा ना कि मुझे इंग्लिश लिखना है, तो मैं इंग्लिश लिखना सीखूंगी। आप अगर कहेंगे कि एक टांग पर खड़ी हो जाओ, तो एक टांग पर खड़ी हो जाऊंगी। आप जिसको दिन कहेंगे वो दिन, और आप जिसे रात कहेंगे वो रात। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि आप सिर्फ मेरे मास्टर जी नहीं, आप तो मेरे मास्टर जी। ये दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है? तेरे मास्टर जी का दादा। कौन है अब मास्टर जी का दादा? अरे दादाजी हूँ। दादाजी मास्टर जी, मास्टर जी कहाँ चले गए? अरे सुबह बेटा, दादाजी की आवाज। दादाजी आप? वो मास्टर जी कहाँ चले गए? ओहो टप्पर सुबली, लगता है तू सपना देख रही थी। और नहीं तो क्या, ये ले ये प्रसाद। थैंक यू दादाजी, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, नहाने के बाद। ठीक है। अच्छा एक बात बता, ये नींद में तू क्या बड़बड़ा रही थी? वो ना दादाजी, मास्टर जी मेरे सपने में आए थे। हाँ, और देखिए तो उन्हें मेरी कितनी चिंता है कि मेरे सामने नहीं है, लेकिन सपने में आके भी मुझे पढ़ा रहे थे। तो सपने में आके उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी मुझे इंग्लिश लिखना सीखना है, तो मैं फटाफट शुरू कर देती हूँ। पर दादाजी आप बताइए ना कि मैं सबसे पहला शब्द कौन सा लिखूं? भगवान के नाम से शुरुआत कर। हाँ ये सही रहेगा, पर कौन से भगवान के नाम से? इतने सारे तो भगवान हैं। जिस भगवान में तेरी श्रद्धा हो, जो तेरे दिल के करीब हो। जिस भगवान में मुझे श्रद्धा हो, जो मेरे दिल के सबसे करीब हो, जो मेरे मन में बसता हो। R-I-S-H-I ऋषि। अच्छा तो ये तेरे भगवान है? हा? मेरा बच्चा।
ऋषि पारिक का घर यही है क्या? अच्छा, कल ही हेलो। हाँ हाँ, ऋषि पारिक का घर यही है। क्या? अच्छा, कल ही किसका फोन था? ऋषि के बारे में कौन पूछ रहा था? अरे बोलता क्यों नहीं है, बोल ना। अरे तू चुप क्यों है? किसका फोन था? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बता ना बेटा। ये लड़का हंस रहा है। अरे लाडूबा, रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली ऋषि का मोबाइल फोन बंद है, इसीलिए लैंडलाइन पे कॉल आया था। बैंगलोर यूनिवर्सिटी से ऋषि को फिर से इनविटेशन आया है, अरे लेक्चर्स देने के लिए। सच? मजाक कर रहा है। पर बाप, क्या ऋषि जाएगा? जाएगा, वो जरूर जाएगा वहां, क्योंकि ऋषि को सेमिनार में लेक्चर देना, अपनी पढ़ाई के बारे में शेयर करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जाएगा। और जब लौटेगा तो वही हमारा पहले वाला ऋषि होगा। बाबूजी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है मॉम, और याद रखना जब ऋषि वहां जाएगा ना तो फुल फॉर्म में आ जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही वक्त पर इनविटेशन भेजा। चल हम दोनों मिलकर उसे गुड न्यूज देते हैं। वाह, ये तो चमत्कारी हो गया ना। मैं उसे बता कराती हूँ। एक बात तो बताइए, ये चमत्कार हुआ है या आपने करवाया है? कलयुग में चमत्कार होता नहीं है लाडू, करवाना पड़ता है। बड़ी अच्छी तरकीब निकाली है ऋषि को इस माहौल से बाहर निकालने की। ऋषि बेटा। हाँ मॉम, क्या हुआ? ऋषि, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? ओ, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता था इसलिए। वो तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब घर वालों के साथ साथ और 100-200 स्टूडेंट्स तुझे घेरने वाले हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अरे ऋषि, तुम्हें लेक्चर देने के लिए फिर से इनवाइट किया गया है। सच? हाँ, अभी जस्ट उनका फोन आया था और बड़े रिस्पेक्ट के साथ तुझे फिर से बुलाया है, और तुम इस बार जाओगे। बेटा इतना मत सोच, बड़े दिनों के बाद तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, प्लीज मना मत करना। डोंट वरी मॉम, मैं जाऊंगा। गुड, चलो मॉम। मैं कल ही इसकी बेंगलोर की फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाता हूँ। बैंगलोर? मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। हाय।
I really miss you, Shalak. I really miss you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शलक, बहुत प्यार करता हूँ। तकदीर एक दूसरे के पास लेकर आ रही है। तकदीर में एक होना लिखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शला, बहुत प्यार करता हूँ। जो अपने घर वालों को दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, टेंशन दे रहा है, मुझे इन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अब आप सबके लिए परेशानी बनता जा रहा हूँ। आप सबको इस परेशानी से मुक्त करने के लिए मैं इस घर से, आप लोगों से दूर जा रहा हूँ।